हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर आल्सो फाइन. सो डियर स्टूडेंट, आई एम ज्योति मैम, दिस इज़ योर क्लास टीचर. के आई विल टीच यू आर्ट. सैटरडे आपका आर्ट होता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट. जैसा कि आप सबके रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं, तो आपका आर्ट का भी रिवीजन टेस्ट होगा. बट उसमें आपको क्या ड्रॉ करना है ना, वो मैं बताऊँगी. आप व्हाट इज डे टू डे, डेट 26/9/2020. व्हाट इज डे टू डे, सैटरडे. सैटरडे शनिवार, SATURDAY, सैटरडे. ठीक, फिर आपको क्या करना है ये जानने के लिए, ड्रॉ द सर्कल. आपको क्या करना है, ड्रॉ द सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. आप लोगों को मैंने ये इजी क्लास में आपको बताया ना, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, हाउ मेनी साइड्स, इनके साइड्स के बारे में. तो आपको करना क्या है, आपको अपनी मैथ्स कॉपी में, ठीक है, आपको मैथ्स कॉपी में इस तरह से डेट मेंशन करनी है, SW और डे. और यहाँ पे अपना नेम आप राइट कर लिया करिए, ठीक है. कवर फोटो आप लोग मत सेंड किया करिए, ठीक. आप यहीं पे अपना नेम राइट कर दिए, जो भी आपका नेम है. तो चलिए, इस तरह से आपको आप स्केल यूज़ ऑफ स्केल आप स्केल का यूज़ करना है आपको, है ना. तो आपको पहले आप कॉपी में इस तरह से लाइन, या तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से इस तरह से, अब तो आप बड़े हो गए हैं, आई होप आप सब लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे. फिर फोर पार्ट्स करेंगे, क्यों इस तरह से. देखिए मैंने फोर पार्ट किए ना, 1 2 3 4. अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड सर्कल. आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है. मैंने बोला ना, ड्रॉ द सर्कल, है ना, ये फोर शेप्स हैं, है ना. शेप्स कितने शेप्स होते हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे शेप्स होते हैं. बट आपको अभी क्या करना है, साइड्स बतानी है और यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो ये देखिए, इस कैप के यूज़ से, अभी ज़्यादा स्पेस होगा तो आप एंगल का यूज़ करेंगे. अगर आपका ये फोर पार्ट में स्पेस नहीं है, तो आप इस कैप से ये सर्कल ड्रॉ करेंगे. कर लिया. फिर यहाँ पे ट्राइंगल, हाउ मेनी साइड्स इन सर्कल. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, हाउ मेनी साइड्स इन सर्कल. नो साइड, सर्कल में साइड नहीं होती है ना. यहाँ पे आप करेंगे नो साइड, है ना. फिर यहाँ पे स्क्वायर, पहले यहाँ पे नेम राइट कर लेंगे, ठीक है. इसमें सारी साइड, स्क्वायर बनाएंगे हम. आप स्केल का यूज करेंगे, ठीक है. अभी देखिए, इसमें सारी साइड बराबर होती हैं, बट हाउ मेनी साइड्स, फोर, 1 2 3 4. फोर साइड है ना, 1 2 3 4, फोर साइड. अब यहाँ पे ट्राइंगल, अब आपको ट्राइंगल आप इस तरह से पहले डॉट रख लेंगे. जैसे मैं आपको पीजी में ए अल्फाबेट ए राइट करने के लिए ऐसे डॉट देती थी ना, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देके यहाँ डॉट सर यहाँ रख के इस तरह से. अब स्केल का यूज़ करना है आपको, है ना, विदाउट स्केल नहीं ड्रॉ करेंगे. हाउ मेनी साइड्स इन ट्राइंगल,
थ्री, वन टू थ्री, थ्री साइड है ना। अब रेक्टेंगल, ये देखिए इस तरह से डॉट रख के, ठीक। हाउ मेनी साइड्स इन रेक्टेंगल? फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, फोर साइड्स है ना। अच्छा किसकी किसकी साइड सेम है इसमें? स्क्वायर की और रेक्टेंगल की, ठीक है, अपोजिट अपोजिट साइड। अब आपको क्या करना है, ये आप शेप्स ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको इसमें कलर कर देना है, ठीक है। आपके पास कलर्स तो होंगे, आपको यहाँ पे इसमें कलर कर लेना है। बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली। व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल? रेड। आपको कलर्स नेम भी लर्न होने चाहिए। अगर आप कुछ भी कोई भी ड्रेस पहनते हैं, अगर आपको उसका कलर नहीं पता, आप मम्मा से पूछिए, है ना। चुपन बेटा लाइट ऑन कर दो आके। सॉरी डियर पेरेंट्स, लाइट चली गई। सो नाउ स्टार्ट। हाँ ये देखिए, ये इस तरह से कलर करना, ठीक है। मैंने इसमें क्या है ना, इसमें ग्रीन कलर। आपको ये जितने भी आप शेप बनाएंगे उसमें कलर करेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ ट्री? ग्रीन। दिस इज ग्रीन कलर। इस तरह से आपको करना है, और आपका ये रिवीजन टेस्ट होगा, ठीक है इसका। तो आप संडे को, है ना, आज सैटरडे है, तो आज मैंने आपको ये वर्क दिया। संडे को जब आप सभी का जो भी वर्क है आएगा, उसके साथ आप इसको भी सेंड करेंगे। यहाँ पर मैं सेंड करूँगी सैटरडे को, तो आपको इसी तरह से फोर शेप्स ड्रॉ करके उसमें कलर करने हैं, ठीक। और साइड्स है ना विद क्वेश्चन आप सभी को लर्न होने चाहिए, ठीक है। और आप सभी का आज वीडियो, कल वीडियो मैंने देखा आप लोगों ने जो सेंड किया, लेकिन सभी बच्चों ने नहीं किया। मैं चाहूँगी कि डियर पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों के टेस्ट जो भी होते हैं आप उसको देखिए, करवाइए और बच्चों को मोटिवेट करिए कि हाँ टेस्ट है, आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी तो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो अभी तो जो भी है, जिस तरह से पढ़ाई हो रही, तो आपको बच्चों को बहुत मोटिवेट करना है। हम और आप दोनों ही मिलकर बच्चों को समझा सकते हैं, और ठीक है। और डेली डेली रिवीजन है, आप लोग वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करवाइए। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो संडे को तो सेटिंग हटती है, आप लोग को जो भी पूछना है तो आप उसमें हम लोगों को पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं कुछ भी,
तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।